में। ठीक है सर, आपका समय खत्म हो गया और यहाँ पर डिबेट को मैं ओपन करते हुए एक दूसरे के बीच में आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से बोली गई है और यकीनन प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब भी देना चाहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, अगर असम के मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह का बयान दिया जाएगा जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे थे रफिकुल साहब, तो सवाल तो उठेंगे ही कि खास समुदाय को ही ध्यान में रखकर क्या आप लोग तमाम नीति नियम बनाते हैं। जवाब दीजिए उनके सवालों का। देखिए, खास समुदाय में डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वे खास समुदाय के विशेष करके बांग्लादेश से आए मुसलमानों की आबादी में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण वहां डेमोग्राफिक चेंज हुआ, ये कौन इससे इंकार कर सकता है। और यदि वहां पर लगातार बढ़ते इस तरह के दबाव को रोकने के लिए अगर मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट शब्दों में बातें करते हैं तो क्या गलत करते हैं, इस पर आपत्ति होने का कोई कारण ही नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय जो कह रहे हैं उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए ये पूरी दुनिया भली भांति जानती है, लोग भली भांति जानते हैं कि जो बांग्लादेश से मुसलमान घुसपैठिए आए हैं उनकी बेतहाशा आबादी में वृद्धि जो है वो एक योजना रणनीति के तहत हुई है, और उस रणनीति के तहत एक पार्टी जो खड़ी हुई AUDF जिसके प्रवक्ता महोदय बात कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी क्यों करती है। इस देश में घुसपैठियों के लिए आप जो है विशेष तरह से जो है प्रावधान करने की बातें क्यों करना चाहते हैं। घुसपैठियों के लिए अगर उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है तो उसको नियंत्रित करने की बात क्यों नहीं की जानी चाहिए। आप जहां तक दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, ये बात कही जा सकती है कि हाँ उन स्टेट्स में भी इस तरह की जो है कानून बनाने का प्रस्ताव आना चाहिए, ये बात कहा जा सकता है। जहां तक बात आप कह रहे हैं कि SC ST के लिए, तो SC ST का तो ऐतिहासिक रूप से लोग जानते हैं कि वंचित वर्ग के लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जब SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया था तो उसका ऐतिहासिक कारण क्या था कि ऐतिहासिक उत्पीड़न के और वंचना के शिकार हुए हैं। सर, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को अगर आप समस्या के तौर पर ले, नहीं नहीं सर, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक बार रफिकुल साहब का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगी। SC ST को अगर आप किनारे करेंगे तो बाकी लोग ये सवाल तो आपसे पलट कर पूछेंगे ना कि जनसंख्या नियंत्रण अगर एक समस्या है तो उस वर्ग को अलग क्यों रखा जा रहा है, उस वर्ग को, क्योंकि संविधान का हवाला भी तो उसके मद्देनजर। लेकिन रफिकुल साहब पहले अपना सवाल पूछ लीजिए कि आप बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद अनुराग आ रही हूँ आपके पास। रफिकुल साहब, चित्रा जी BJP के स्पोक्समैन प्रेम शुक्ला जी जो कह रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया, अरे भाई 71 के बाद जो बांग्लादेशी आसाम में घुसे हैं उसको तो आप रेड कार्पेट बिछा के दे रहे हो। 71 के बाद आने वाले हिंदू को आपका के जरिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए उनको यहां बसा रहे हो। हम तो डंके के चोट बोल रहे, हिम्मत है तो उसको बातिल करो। 71 के बाद जो भी विदेशी आसाम में आया होगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको जाना चाहिए। लेकिन BJP उसके पक्ष में है, 71 के बाद आने वाले के पक्ष में ये BJP है, हम नहीं है। बांग्लादेश से कोई अगर आया वो जाएगा, हमारा मसला है। 71 में ये BJP के प्रवक्ता को ये जानना चाहिए बांग्लादेश 71 में बना, 47 में पाकिस्तान बना, इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं था। सर ठीक है, ये बात तो रफिकुल साहब सबको पता है, लेकिन आप लोगों को भी कम से कम अगर कुछ अच्छा आता है अब उसमें संशोधन की बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातें करना कहां तक जायज है, मतलब किसी भी मुद्दे को हम हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने लगे ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर ऐसा लग रहा है आप तो बात करने आए ही नहीं है, तमाम मुद्दों को गिना दिया। अगर लेकर आ रही है जनसंख्या नियंत्रण तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि उसमें इन तमाम प्रावधानों को जोड़ा जाए, अगर कोई कमियां है तो हर चीज में कमी निकालने की क्या आदत पड़ गई है। चित्रा जी आप भी अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना है उत्तर प्रदेश के अंदर में, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको करना नहीं है। करना होता तो 4.5 साल पहले ये करते, क्योंकि इसके पहले 3 साल पहले ही आवाज उठाई थी, ये तो अब इन्होंने नहीं किया, इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जिस तरह का कानून बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप